सो गाइस, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि भैया दो पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें से एक कोई प्ले आउट हो सकती है। मैंने कल वार्निंग भी दी थी, मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि यहाँ से पुल बैक जो है वो देखने को मिले। तो दो चीजें हैं जिनकी हमने बात करी थी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, लेकिन कुछ मेन पॉइंट है जो आपको बताऊंगा। कुछ तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है उनके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा जो डर है करेक्शन का उसके बारे में बात करेंगे कि आ सकता है नहीं, और लास्ट में बात करेंगे कि कौन से ऐसे नैरेटिव हैं जिनमें सबसे पहले जंप आएगी। जैसे हमने देखा कि एडा में, एक्सआरपी में, इन जो बड़े कॉइन है उनमें भी जंप आ रही है, तो कौन से हैं जिनका अब नंबर आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर बिटकॉइन 100K पे पहले पहुंच गया तो हो सकता है कि डायरेक्ट वहां से करेक्शन आ जाए, और जो हम सोच रहे थे कि भैया इससे पहले रुके और हल्का सा वहां पे ये साइडवेज हो, उसके बाद डोमिनेंस हल्की सी गिरे, और जो ऑल्ट कॉइन है, ये जो पहला सिनेरियो है ये मैं बहुत दिन से बात कर रहा था कि भाई ऐसा होगा कि 100K से हल्का सा पहले रुकेगा, डोमिनेंस हल्की सी नीचे आएगी, और जो जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो आपके 20-30-50% जो है बढ़ेंगे। और हमने देखा भी जो सिनेरियो है यही बना कि हमने देखा कल भैया ओराई चेन भी 50% बढ़ गया, एक्सआर भी 30% बढ़ गया, एडा हमारा 30-40% बढ़ गया। तो वो जो सेकंड फर्स्ट सिनेरियो है वो बना, लेकिन सेकंड सिनेरियो क्या था वो ये था जो मेरे को लगा कल के प्ले आउट हो सकता है, जब हमने देखा कि बिटकॉइन पूरी रफ्तार में ऊपर जा रहा है कि भैया अगर ये 100K पहुंचा तो, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, तो वहां हो सकता है एक जबरदस्त सेल ऑफ देखने मिले, तो ऑल्ट्स में जो हम 20-30-50% की जंप सोच रहे थे वो ना आए और पहले करेक्शन वहां पे जो है 10-15% का आ जाए। क्या कहानी बनी है डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो भैया फियर और ग्रीड जो है वो पहुंचा हुआ है 93 पे। आप कुछ इसे ऐसे समझ लीजिए कि 93 इतना फियर और ग्रीड होता है कि 2021 का जब बुल रन का पीक था तब हमारा फियर और ग्रीड इतना था, मतलब उसके बाद हम सीधा नीचे आ गए थे। पर क्या हम इससे ये समझे कि मामला खत्म हो गया? पर नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब पैसा आता है, जब भी मीडिया हाइप मिलेगी मार्केट को, उस टाइम पे आप देखोगे कि जो ग्रीड है वो सबसे ज्यादा दिखेगी। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जब मीडिया हाइप मिल रही है तो बहुत सारा जो नया बंदा है जिसको अंदाजा भी नहीं है वो जो है मार्केट के अंदर घुसते हैं, और उनका एक ही वो होता है, उनको बस एक चीज पता है, वो क्रिप्टो में अंदर आए कि उन्होंने सुना कि अरे बिटकॉइन तो 5 रुपए का था, आज तो 80 लाख का हो गया है, डॉज कॉइन ने किसी को 100 रुपए लगा के करोड़पति बना दिया है, तो दे कम विद दैट मेंटालिटी। तो उनके अंदर सिर्फ ग्रीडी होती है, क्योंकि वही ये लोग होते हैं जो हाल पैनिक कर जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ग्रीड लेके ही आते हैं, उनका इंटेंशन ये होता है कि भैया चलो जल्दी से 10,000 रुपए 1,000 रुपए लगा देते हैं और करोड़पति होकर कल लौटाएंगे वहां से। ठीक है, तो ग्रीड हमारी चल रही है भैया अभी 93 पे। ठीक है, लिक्विडेशंस की बात करें तो अगेन नीचे अगर मैं बात करूं तो वो है तुम्हारे 97 के आसपास 24 आवर्स पे, ऊपर मैं बात करूं तो लगभग वो है आपके 100K के आसपास। मतलब ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में अगर कोई मूव हमें देखने मिल सकता है तो हो सकता है कि हम नीचे 97 का विक मार दें या फिर 100K का विक मार दें। अभी जो मोस्ट प्रोबेबली सिनेरियो बना हुआ है कि हो सकता है 97-500 के आसपास तक हम आए, क्यों आए वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, पॉजिटिव जो पार्ट रहा वो ये है कि BTC की जो डोमिनेंस है, ये देखो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी कि भैया BTC की जो डोमिनेंस है वो यहां से हम देख रहे हैं स्काई रॉकेट होती जा रही है, पर ये हमारी कल से काफी गिरी है। देखो अगर मैं बात करूं तो BTC की डोमिनेंस में इतनी तंगड़ी जो डाउनवर्ड हमारा मूवमेंट है पिछले 3 दिन में हम यूजली नहीं देख पाते, 4% से हमारा नीचे आया है BTC का डोमिनेंस। हम क्या बात कर रहे थे कि अगर अब यहीं पे ये सिनेरियो बन जाए कि ये आए, ये इसका सपोर्ट एरिया है और इसे ये ब्रेक करके नीचे चला जाए तो मजे आ जाएंगे, फिर आप समझ लो कि वहां से जो आपके ऑल्ट कॉइन्स है उनमें जो पैराबोलिक रन है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर बिटकॉइन को उसके लिए 100K टच करने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ, बीच बीच में कई बार ये बोलता हूँ बिटकॉइन को, मैंने कहा ये नीचे आ जाओ, औरों का भी नंबर आने थे, मैंने कहा और भी लोग हैं जिन्हें ऊपर जाना है ना, बहुत बहुत डालता हूँ मैं, ये भी मैंने डाला था इसी नीचे आ जाए, मैंने कहा और भी लोग हैं जिन्हें ऊपर जाना है, बड़े सारे 200-300 भाई हैं जो यहाँ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी अपडेट हो, कोई भी अपडेट हो, चाहे वो न्यूज को लेके हो, चाहे वो तुम्हारा गैरी गैंसलर को लेके हो, है ना, गैरी गैंसलर को लेके, ठीक है, मतलब कोई भी हो, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे, कल हमने डाला था कि भैया ये इस तरीके से कुछ मार्केट काम करती है। ठीक है, हमने पहले अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक बियर ट्रैप हमने झेला है जहां बहुत सारे लोग डर के निकल गए, फिलहाल हम मीडिया टेंशन पे हैं, जो मैं भी बोल रहा था क्यों फियर एंड ग्रीड ज्यादा है, क्योंकि ये मीडिया टेंशन का टाइम है, इसके बाद हम एंथुसियास फेस में जाएंगे जहां सबको थोड़ा सा लगेगा हाँ भाई बढ़िया है, और जब वो चीज होगी तब पब्लिक आने वाली है बहुत सारी, और जब बहुत सारी पब्लिक आ जाएगी तो बहुत सारा ग्रीड आ जाएगा मार्केट के अंदर, भैया अब तो रुक ही नहीं रही है चीजें, सब कुछ 10x हो रहा है, सब कुछ 20x हो रहा है, फिर डिल्यूजन आ जाएगा। डिल्यूजन बोले तो लोगों को ऐसा लगता है फिर कि
अपने जुगाड़ वाला जो सीन रहता है कि अरे हम तो कुछ भी खरीद रहे हैं वो सीधा 10x 20x होता है। एवरीवन थिंक ऑफ देम कि भाई दे आर द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑन द अर्थ, क्योंकि भैया वो जो भी खरीद रहे हैं वो सब 5x हो रहा है, सब 10x हो रहा है और मोटा पैसा बन रहा है। एंड देन एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां से हम नीचे की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएंगे, जहां लोग सोचेंगे कि ये भी एक नॉर्मल ही पुल बैक है, अरे इतना पैसा बना लिया है थोड़ा सा रिस्क और लेके देखते हैं। और फिर वो धीरे कर करके जो आपने 10 रुपए से आप गए थे 1,000 रुपए तक, फिर 1,000 रुपए से लौट के आप सीधे 5 रुपए तक आ जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं अक्सर बात करता हूँ वाई द प्रॉफिट स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई द एग्जिट स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज और मेरे को कहनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये कि टेलीग्राम पे आपको हर एक चीज मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ज्वाइन करना। दूसरी जो चीज है वो ये कि भाई अपना बहुत छोटा सा चैनल है YouTube का, तो जो भी भाई बहन नए देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, ये सगल और ये बातें पसंद आ रही हैं, तो चैनल याद से अभी सब्सक्राइब कर लो, कर दो मतलब अभी। ठीक है, मैं पॉज लेता हूँ 1 सेकंड का, कर दिया। अब सुनो, वीडियो लाइक कर देना पसंद है, डिसलाइक कर देना नहीं है, और कमेंट कर सकते हो अगर कोई सवाल हो। ठीक है भाई, बहुत सारे भाई हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। मैंने बोला था पर्सनली मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन तुम लोग मेरे को वहां पे मैसेजेस करके ये मत पूछो भैया कौन से कॉइन खरीद ले, कौन सा कॉइन कितने एक्स करेगा, क्योंकि यार तुम लोग को डेली वीडियो में ये बताता हूँ कि भाई ये कॉइन्स ले लो, ये कॉइन्स ले लो, इसका पोटेंशियल ये है। फिर बहुत सारे भाई पूछते हैं भैया एग्जिट कर ले, आपने कहा था एग्जिट, मैंने कभी नहीं कहा कि एग्जिट कर लो ब्रो। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि एग्जिट नहीं करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कोई भी कंप्लीट सेल नहीं करनी है, प्रॉफिट टेक करो और जब डिप आए बाय करो। अगर तुम पे पैसा बहुत है, अगर तुमको लगता है कि तुम्हें जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे DCA करते रहो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं बिना देरी के, टेलीग्राम ऐप से ज्वाइन कर लेना। अब ये देखते हैं भैया, सो ब्लैक रॉक ने आज खरीदारी करी है $500 मिलियन से। पिछले 5 दिन से लगातार खरीद रहा है, ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन के आसपास की जो बाइंग है वो ब्लैक रॉक यहाँ पे हमारा कर चुका है। बहुत सारे नए कंपनी हैं जो यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे मारा की अगर मैं बात करूँ, एक पब्लिक कंपनी है, तो भैया इन्होंने भी $550 मिलियन के आसपास का जो बिटकॉइन है वो खरीदा है। हमें यही चाहिए था कि पब्लिक कंपनीज आए और पब्लिक कंपनीज जो है वो करें इन्वेस्ट, क्योंकि अगर पब्लिक कंपनीज करने लगी तो जितनी भी तुम्हारी स्टॉक मार्केट में है, शेयर मार्केट में जो कंपनीज है, दे विल बाय द बिटकॉइन। और बिटकॉइन तो फिर वैसे भी नहीं बचेगा क्योंकि माइकल स्लेयर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये बहुत अच्छा है बिटकॉइन के लिए और पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी के लिए। ठीक है भाई, एक और ये न्यूज लेंगे और फिर हम चलेंगे चार्ट पे। ये कह रहे हैं भैया बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है दैट इज नाउ ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन। सो अगर आप देखोगे तो कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी मेरे हिसाब से, इलेक्शन से जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो पूरी जो मार्केट कैप थी दैट वॉज $2.2 ट्रिलियन की, पूरा क्रिप्टो करेंसी जिसमें लाखों कॉइन है, और अभी सिर्फ बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है दैट इज 2 ट्रिलियन। हम उम्मीद ये करते हैं कि जो टोटल मार्केट कैप है वो कहीं 6 से $10 ट्रिलियन के बीच में जानी चाहिए टोटल जो हुआ है। अगर उतनी जाती है तो आप सोच सकते हो कि कितना तगड़ा जो जंप है वो हमें देखने को मिलेगा। सो ये हमारा चार्ट है बेसिकली। इसके बाद में कुछ कॉइन्स की बात करूंगा, जस्ट लुक एट दिस। ये हमने बनाया था कि भाई डेली पे एक ट्रेंड हमें मिला हुआ है जिसमें लगातार ऊपर की तरफ चल रहा है। फिर हमने ये बात करी थी कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है, जो हम ये इमेजिन कर रहे थे कि ये जो 100K है ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल होगा और यहां से फिर हम जा रहे हैं नीचे। कहां तक हो सकता है कि पहला 88 तक जाएं, हो सकता है दूसरा कि हम 85 तक जाएं, हो सकता है तीसरा कि हम लोग कुछ 80, ये एक मेन था कि 82 के आसपास तक जाएं, ये जो एरिया है आपका ये वाला। ठीक है, एक चीज मेरे को अभी नहीं दिखी है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को लग रहा है एक और नया इसको जो सपोर्ट एरिया मिला है वो ये है। देखो अगर मैं इसे वीकली पे डालूं तो मेरे को एक ये एक नया एरिया मिला है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसे करके ये वाली, तो मेरे को जस्ट लुक एट दिस, ये एक नया एरिया मेरे को मिला है ये वाला। ये कौन सा एरिया है? ये मेरा एरिया है 92 के आसपास। तो मेरे को लगता है कि ये भी फिलहाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट स्टिल अगर हम यहां तक भी आते हैं 100K से तो ये भी आपका लगभग 6-8% के आसपास तक का होगा। हाँ, इतना आएगा करेक्शन, बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगेन अगर इसमें भी 10% के आसपास 15% के आसपास करेक्शन आता है तो वैसी बात है सारे ऑटकॉन्स के अंदर लगभग 15-20% का करेक्शन आएगा। ये पॉसिबिलिटी अभी भी नहीं गई है, ये समझ लीजिए। पहले भी बात कर रहा था, अभी भी बात कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग। हमने बात करी थी बिटकॉइन रुकेगा, डोमिनेंस नीचे गिरेगी, ऑटकॉइन्स ऊपर जाएंगे, बट करेक्शन आएगा ही आएगा, इस चीज के लिए तैयार हो जाओ।
बहुत सारे लोग हैं बच्चों की तरह ग्रुप में रोने लग जाते हैं, यहाँ रोने लग जाते हैं, जस्ट कम ऑन मैन, पहली बार आए हो तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। अगर तुम्हें मोटा पैसा बनाना है यू हैव टू रेडी फॉर द पुल बैक्स। कितने सारे बहन भाई हैं देखो, उनको कितनी सारी बढ़िया चीज समझ में आ जाती है एंड दे आर रेडी फॉर इट। अगर तुम्हें ये करना है, जो लोग मार्च से अभी तक टिके हैं ना, दे नो हाउ इट वर्क्स। तो तुम लोगों से कहना यही है कि 10-20% की चीजों से मत डरो, 10-20% अपने जो भी आपके पोर्टफोलियो उनमें फैट रखो, कि डॉलर रखे हैं या ना रखे हैं, गिरी मार्केट खरीद लिया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था। अच्छा एक बार मैं कॉइन्स की बात बता देता हूँ फटाफट फटाफट से, कि चीजें कैसी हैं। अभी जो भी आपके बड़े कॉइन्स हैं, मतलब टॉप 10 के जो भी बड़े कॉइन्स हैं, आपको उनके अंदर पैसा हो जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये हमारा पहला स्टेज का, हम जो हम बात कर रहे थे BTC एंड देन इथेरियम एंड सोल, और सोल और इथेरियम ऑलमोस्ट, और इथेरियम तो छोड़ देते हैं अभी के लिए, उसके कुछ रीजन है उसकी हम बात करेंगे। सोलाना अपना ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में है। अब बारी आती है जितने भी लार्ज कैप हैं। लार्ज कैप कौन है? XRP है, एडा है, ठीक है, और भी जो तुम्हारे BNB वगैरह है, ये सारे तुम्हारे लार्ज कैप हैं, इनमें पैसा आ रहा है। इसके बाद जो पैसा जाने वाला है वो पैसा जाएगा तुम्हारा सबसे पहले AI में, तो बी रेडी विद AI। और मेरे को कुछ भाई ये भी कह रहे थे, भैया आपने GRT खरीदवा दिया, आपने रेंडर खरीदवा दिया और वो तो नीचे चले गए। यार मैंने तुम लोगों को कितनी बार एक चीज बोली है कि मैंने ये कह के थोड़ी खरीदवाया कि तुम आज खरीदो कल रात को तुम करोड़पति हो जाओगे। इफ आई एम सेइंग समथिंग कि भैया बाय कर लो, इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट टर्म में तो जाएगा ही, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल आज रात को ही चला जाएगा। हो सकता है तुम्हें 1 वीक का वेट करना पड़े, 15 दिन रुकना पड़े, 1 महीने रुकना पड़े, ठीक है। तो ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो। आई होप, तो अभी के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।